हे गाइस, मैं हूँ अभी और एक बार फिर से आपका वेलकम हो गया मेरे इस यूट्यूब चैनल अभी ऑफिशियल में। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लॉग पे एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत सारा काम है। और अभी चलेंगे हेयर कट करवाने, क्योंकि हेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और बियर्ड भी, तो दोनों चीज़ करवाने चलेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे, प्लेस दिखाएंगे, और क्या क्या हमारे साथ हो रहा है वो भी दिखाएंगे, बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और ब्लॉग छोड़ के कभी मत जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आज का ये ब्लॉग तो छोड़िएगा ही मत। जो भी ब्लॉग छोड़ दिए कोई बात नहीं, बट आज का ये ब्लॉग छोड़िएगा मत, काफी ज्यादा अच्छा अच्छा चीज दिखा रहे हैं। तो ब्लॉग में इन तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं पहले हेयर कट करवाने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। तो चलते हैं, चलिए आप भी। गाइज, फाइनली सैलून पहुंच गए, अब मेरा बाल कटेगा, देखते रहिए। फाइनली अभी हेयर कटिंग करवा के आ चुके हैं घर, और आप लोग बताइए अभी कैसे लग रहे हैं हेयर कटिंग करवाने के बाद, पहले से अभी कैसा लग रहे हैं, पहले से कैसे लग रहे हैं हेयर कटिंग करवाने के बाद बताइएगा। अभी घर आ चुके हैं, तो देखिए फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है, तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरा बियर्ड है, बियर्ड को भी मशीन लगवा के पतला करवा ली और बाल भी बनवा ली। तो बताइए हम कैसे लग रहे हैं। तो पहले से अच्छा लग रहे हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मतलब ठीक गाय। तो मिलते हैं आपको। बाल दाढ़ी बनवाने के बाद फिर से अभी जा रहे हैं घाट पे, आप लोग को पता ही है। आज भी वो ड्राइवर भैया नहीं है जिसके पास गाड़ी है, तो आज रिक्शा रिजर्व करके जाना पड़ रहा है। फिर से घाट पे जा रहे हैं, घाट में हमें और ये है और सब जो है पहुँचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। घाट पर अभी पहुंच चुके हैं, चलिए दिखाते हैं घाट। मिट्टी के लेबर मिला रहे हैं, लेबर मिला रहे हैं घाट का, मिट्टी या लेबर में मिला रहे हैं। गंदा कितना है देखो घाट पर, सब पानी में ही पोल्यूशन फैलाता है, पानी में गंदा फेंक फेंक। क्या सर बोलिए कुछ, पानी में गंदा फेंकने वाले के लिए क्या बोलिएगा? आदमी समझदार होना चाहिए, और पानी में गंदगी ना फैलाए। पानी रहेगा, मछली पालन भी करेगा तो अच्छा होगा। मेरे व्यूअर्स के लिए दो लाइन, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभिराज चैनल, अभिराज चैनल। थैंक यू। ठीक 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 है ठीक। गाइज, यहाँ पे सिरे का मिट्टी को बैठा रहे हैं ईटा से ठोक ठोक के। वहाँ पे कुछ जुगाड़ नहीं था तो ईटा मिला था, तो ईटा से ही मिट्टी को ठोक ठोक के बैठा रहे हैं हम सारे लोग, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं छठ में। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइज। मिट्टी को ईट से बैठाने के बाद पानी से इसको धोया जा रहा है, मतलब पानी से प्लेन किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है। तो देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत से हम पानी से मिट्टी को प्लेन कर रहे हैं, ताकि सीढ़ी हमारा सॉफ्ट बने और कल आए अच्छा से डेकोरेशन हो और बढ़िया से हम लोग का छठ पूजा हो। तो देखते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं छठ पूजा में, आज ही नहीं हर साल करते हैं। तो देखते रहिए गाइज, प्लीज़ देखो, देखिए 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 घाट कितना अच्छा है, पूरा एकदम घुमा के घाट आया है ना सर, पूरा घुमा के घाट आया है। काफी सर, ये देखिए कितने मस्त बने के ठोक, ये ठोकल से ही था सर, ठोकल सर। आप कुछ बोल सकते हैं? नो नो दो सर, सर प्लीज, मतलब घाट वट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इतना सुंदर घाट बना, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे गाय मरा है और उसका बदबू दे रहा है। ओ माय गॉड, घाट वट बना घर जा रहे हो। गाइस फाइनली घाट पे से आए, बाल भी कटा लिए थे घाट पे से भी आए, उसके बाद आकर नहाए और नहाकर अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी मार्केट जाएंगे गाइस, मार्केट जाएंगे वो रंग अबीर लेने के लिए, क्योंकि कल छठ पूजा है तो सजाएंगे डेकोरेशन करेंगे, इसीलिए मार्केट जाना है। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, ब्लॉग में एंड तक आप देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और गाइस
आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।